Now in the second unit, we will learn about what is regular expression. RE का मतलब है यहाँ पर regular expression. That is a यहाँ पे हम regular expression पढ़ेंगे. Regular expression का मतलब है हम यहाँ पे regular language देखेंगे. That is a RL. यहाँ पे RL जो है RL से ही आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा. दैट इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज जनरेट्स द रेगुलर एक्सप्रेशन हियर. और यू कैन से बोथ आर सेम थिंग. लैंग्वेज है तो हम उसको एक्सप्रेशन में आई मीन कैसे हम डिनोट करेंगे, दैट विल हेल्प द रेगुलर एक्सप्रेशन. अब हमने यहाँ पे जो लैंग्वेज अभी हमें जो पढ़ना है, एक्चुअली वी डिड समथिंग रिवर्स फंक्शनिंग. हमने यहाँ पर एक मशीन पढ़ी, दैट इज़ अ DFA. इन द फर्स्ट यूनिट वी लर्न अबाउट द DFA और यू कैन से NFA. इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी द DFA और NFA विच कम्स अंडर दिस फाइनाइट ऑटोमेटा. तो यू कैन से फाइनाइट ऑटोमेटा हमने यहाँ पर जो देखा, इट एक्सेप्ट सम लैंग्वेजेस. दैट मीन्स वॉट एवर वी हैव डिज़ाइन फॉर द DFA और NFA, तो इट एक्सेप्ट सम लैंग्वेजेस. एक्सेप्ट सम लैंग्वेज and that language is called actually the regular language. क्योंकि अगर आपने कोई मशीन डिज़ाइन करी है तो कुछ ना कुछ आपने उसे दिया. सपोज करो मैंने बोला कि ending with ए बी, तो उसके लिए आपने एक स्ट्रिंग वो सारे आपने लैंग्वेज जनरेट करी जिसका मिनिमम स्ट्रिंग ए बी है, देन ए बी है, देन बी ए बी है. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एंडिंग विथ ए, इसके लिए हमने एक लैंग्वेज बनाई. एक ऐसी मशीन हमने डिज़ाइन करी विच एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज. ये जो लैंग्वेज है जिसका एंडिंग कैरेक्टर क्या हो, ए बी, और स्टार्टिंग कैन बी एनी थिंग. तो दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई मशीन होगी या कोई फाइनाइट ऑटोमेटा आपने डिज़ाइन किया होगा जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा होगा कि वॉट एवर वी हैव द लैंग्वेज दैट विल बी द वेरीफाइड बाई दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा विच वी हैव डिज़ाइन वाया द DFA और NFA, यू कैन से. तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ बात करें कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा है तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा किसी न किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा. दैट इज़ कॉल्ड द रेगुलर लैंग्वेज. जिस लैंग्वेज के द्वारा ये मशीन हमारी वेरीफाइड होगी या जस्टिफाइड होगी, दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द रेगुलर लैंग्वेज. ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ कॉल्ड द रेगुलर लैंग्वेज. ये सपोज करो एवरीबडी लर्न द हिंदी, इंग्लिश, जैपनीज, फ्रेंच, बहुत सारी आप लोग जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो. दैट मीन्स यू वांट टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन. सपोज इफ आई नो हिंदी एंड यू नो इंग्लिश और अगर हमें आपस में बात करनी है तो वी कैन नॉट डू दैट. तो हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि ट्रांसलेट कर सके हिंदी को इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश को हिंदी में. तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने कोई यहाँ पे मशीन बनाई है, अगर आपने कोई फाइनाइट मशीन बनाई है, अगर उस मशीन से आपको कम्युनिकेट करना है तो यू मस्ट नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. आपको उस मशीन की लैंग्वेज समझनी होगी एंड वो मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो रेगुलर लैंग्वेज के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है. अब इस रेगुलर लैंग्वेज अगर हमारे पास है, अगर कोई लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली उसकी ग्रामर भी होगी. दैट मीन्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेगुलर ग्रामर. That means, I will write here, regular grammar. अगर grammar है तो obviously उस grammar की मदद से आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस particular grammar की मदद से आप एक language generate करेंगे. That is called the regular language. अगर language है तो obviously वो किसी ना किसी चीज़ को accept कर रही है, justify कर रही होगी कि yes, अगर मैंने यहाँ English में लिखा THIS, this का मतलब एक मीनिंग है. अगर मैंने यहाँ पे लिखा RET, rat का एक मतलब है. अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC इंग्लिश में तो ABC का कोई मतलब नहीं, दैट इज़ अ मीनिंगलेस. तो अगर हम यहाँ पे ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर तभी होगी जब आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज देख रहे हो. तो हर लैंग्वेज का अपना सेट ऑफ रूल्स होता है. ग्रामर इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स विच इज़ डिफाइंड फॉर अ वन पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो दैट मीन्स अगर लैंग्वेज है तो उसके ग्रामर्स होंगे. अगर ग्रामर है या उल्टा बात कर सकते हैं तो लैंग्वेज होगी. अगर लैंग्वेज है तो वो किसी न किसी
ऑटोमेटा या फाइनाइट मशीन को जस्टिफाई कर रही होगी कि यस इट इज़ अ ट्रू। तो अगर लैंग्वेज है तो दिस लैंग्वेज विल डेफिनेटली जस्टिफाई दिस फाइनाइट ऑटोमेटा, यू कैन से। तो यहाँ पर क्या है कि हम इस लैंग्वेज के द्वारा इस फाइनाइट ऑटोमेटा की जो हमने डिज़ाइनिंग करी है हम उसे जस्टिफाई करते हैं। और यू कैन से कि अगर हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उसको वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज होगा, वाइस वर्सा आप बात कर सकते हैं। For the finite automata, we will learn the what is the regular language and how it works, कैसे represent की जाएगी वो हम देखेंगे। तो now next यहाँ पे come to the यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि what is regular expression। Regular expression क्या होता है? The language accepted by finite automata can be easily described by simple expression called रेगुलर एक्सप्रेशन, कॉल्ड आरी रेगुलर एक्सप्रेशन। आरी मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। तो द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई अ फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी इजली डिस्क्राइब बाई सिंपल एक्सप्रेशन कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन, यू कैन से सिंपल एक्सप्रेशन दैट मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। और यही रेगुलर एक्सप्रेशन जो हो जाता है वो हमारा जो एक सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं इसी को हम आगे चल के रेगुलर लैंग्वेज बोल देते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक और बात कहेंगे कि एनी सेट रिप्रेजेंटेड बाई आरी इज कॉल्ड रेगुलर सेट। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल हेयर। सपोज करें अगर हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी है, तो अगर हमने यहां पर लिखा, इफ आई राइट हेयर कि लैंग्वेज एल इज नथिंग बट ओनली ए, और यू कैन से एल इज नथिंग बट ए ए बी और ए लाइक दैट। तो यहाँ पर ये जो है इसे हम बोलते हैं रेगुलर सेट। आई मीन ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने लिखा दैट इज कॉल्ड द रेगुलर सेट। एंड दिस वन बिकॉज ऑल द स्ट्रिंग, ये जितनी भी स्ट्रिंग्स थी इनका कलेक्शन जो है हमने एक ब्रैकेट के अंदर रखा, जिसे आपने कहा ये रेगुलर सेट है। एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड द रेगुलर लैंग्वेज। ये वॉट टाइप ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे थ्री स्ट्रिंग्स है, दिस इज कॉल्ड द यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज। नाउ अगर अब इसी लैंग्वेज को अगर मुझे यहाँ पर डिनोट करना हो रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो हम यहाँ पर इस लैंग्वेज का जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे दैट विल बी ए प्लस ए बी प्लस ए ए, उसमें ये थ्री चीज़ें आ जाएंगी। तो लेट्स टेक यहाँ पे सपोज करिए अगर हमारा रेगुलर सेट आई मीन अ लैंग्वेज कंटेन्स ओनली सिंगल ए, तो इसका जो आर ई होगा वो जस्ट ए होगा, आई मीन रेगुलर एक्सप्रेशन ए। आई मीन ये कर्ली ब्रेसेस हटा देंगे, अगर वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो इसे हम रेगुलर सेट बोलते हैं। अगर हमने जस्ट यहाँ पर जो भी सिंबल है, इनपुट सिंबल्स हैं, अगर एज इट इज़ लिख दिया तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। एंड दिस वन इज कॉल्ड, जो हमने लेफ्ट में लिखा इसका नाम दिया सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज अ लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज। ये तीन चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी। तो लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल हेयर। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, All the strings of A, over a sigma equal to A. I mean sigma में केवल एक सिंबल है। अब मैंने बोला all the strings of A, यानी कि लैंग्वेज कैन बी what? मिनिमम क्या हो सकता है? एप्सिलॉन हो सकता है, सिंगल A हो सकता है, डबल A हो सकता है, ट्रिपल A हो सकता है, आई मीन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A, A की जितने भी कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज नथिंग बट द लैंग्वेज and this language contains this regular set. I mean इस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग्स आएंगी वो हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिया। If you want to write the here किसका आर ई क्या होगा, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, यू कैन राइट हेयर जस्ट ए स्टार।
ए स्टार क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एप्सिलॉन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे आप पहले क्या लिखते थे, सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो जिस स्ट्रिंग के या जिस इनपुट के लिए हमने ये लैंग्वेज जनरेट करी, अब हमने यहाँ पे उसके सर के ऊपर स्टार डाल दिया, दैट इज ए स्टार। इफ आई राइट माई लैंग्वेज कंटेन्स ओनली दिस ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, देन योर आर ई विल बी, आई मीन रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी ए प्लस, बिकॉज दिस लैंग्वेज डज नॉट कंटेन द एप्साइलन। जिसमें एप्साइलन होगा, आई मीन यहाँ पर लैंग्वेज जो है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए इंक्लूडिंग द एप्साइलन, देन योर रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी ए स्टार। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्सक्लूडिंग द एप्साइलन, एप्साइलन को छोड़ के, तो हम इसे ए प्लस बोलते। एंड आई टोल्ड कि ए प्लस कैसे डिफाइन करते हैं, आपको याद होगा सिग्मा प्लस इज नथिंग बट द सिग्मा स्टार माइनस एप्साइलन। ये सिग्मा जो है आपका यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट है स्ट्रिंग के कलेक्शन का, तो दैट इज अ क्लीन क्लोजर जिसे आप बोलते हैं। उसमें से अगर एप्साइलन माइनस कर दें तो देन दैट विल बी द सिग्मा प्लस। बट यहाँ सिग्मा प्लस क्या है, अब यहाँ पे अल्फाबेट क्या गिवन है, सिग्मा में कौन सी वैल्यू रखी है, ए है, ए का कोई भी कॉम्बिनेशन एक्सक्लूडिंग द एप्साइलन देन दिस विल बी द ए प्लस, अगर इंक्लूडिंग एप्साइलन है तो दैट इज कॉल्ड द ए स्टार। ये सिंबल्स आपको याद रखना होगा। अब हम इसी फॉर्म में सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, हम ये पूरी की पूरी लैंग्वेज नहीं डिस्क्राइब करेंगे, बस ये इतनी सी चीज़ गिवन होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिजल्ट बताना होगा। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दैट, आई मीन इसके कुछ ऑपरेशंस भी हैं, दैट इज नथिंग बट द कि क्या क्या हम इसमें इसके कौन कौन सी चीज़ें ये यहाँ पर ओबे करेगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर आर ई बात करी, तो लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ बात करें, लेट्स टेक सिग्मा इज गिवेन हियर ए कॉमा बी, और अगर मैंने लैंग्वेज में ये बोला कि ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, ए एंड बी, आई मीन कितना भी हो, दैट लैंग्वेज कंटेन्स मे बी एप्सिलॉन ए बी या ए ए, ए के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या इन दोनों के मिक्स हो सकते हैं, एनीथिंग, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए। तो अगर मैं इसका आर ई अगर हम पूछें तो यहाँ पे आर ई क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द ए प्लस बी का होल स्टार। यहाँ पर अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस, प्लस सिंबल ये डिनोट करता है यहाँ पर यूनियन का मतलब होता है, प्लस का मतलब यूनियन, और यू कैन से और, जो सेट थ्योरी में और बोलते हैं, और का मतलब आइदर ए का कॉम्बिनेशन, देखिए आप यहाँ पे ए की सीरीज जा रही है, या बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर इन दोनों का मिक्स हो सकता है, ए और बी, दैट इज थर्ड वन। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्टार का मतलब, बिकॉज यहाँ एप्साइलन भी है इस लैंग्वेज में, इसलिए इसके सर के ऊपर स्टार है। सपोज इफ आई रिमूव दिस स्टार फ्रॉम दिस सेट, देन योर आर ई विल बी लाइक दैट, ए प्लस बी का पावर प्लस, दैट मीन्स प्लस ये इंडिकेट करता है कि इसमें एप्साइलन नहीं है। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ, देन यू कैन आस्क हियर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स यहाँ पे सपोज करो एल कंटेन्स ये फोर, सपोज करो एल में 0 1 और 1 0 है, यहाँ पे हम बता रहे हैं एल में केवल दो ही स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग है यहाँ पर 0 1 और 1 0। तो ये जो राइट हैंड साइड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने लिखा, इसे हम कहेंगे रेगुलर सेट। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ए एक सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, ये तो इसे क्या बोलते हो, ए इज अ सेट विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे हम बोलेंगे एल इज अ लैंग्वेज और इस लैंग्वेज का नाम है रेगुलर लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स की जगह हम यहाँ बोलते हैं 2 स्ट्रिंग्स, इट कंटेन्स 2 स्ट्रिंग्स। आपने इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा तो आपने कहा ये रेगुलर सेट है। नाउ अब हमारा काम है कि इस रेगुलर सेट को हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना है। इस रेगुलर सेट को अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं आर ई। आर ई का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये जो स्ट्रिंग्स है, देखो दिस लैंग्वेज इज फाइनाइट, वाई फाइनाइट, दिस लैंग्वेज कंटेन्स, आई मीन एल का मतलब है लैंग्वेज, ठीक। आप इसे एल की जगह आप यहाँ पे रेगुलर सेट भी लिख सकते हैं, इसका नाम आप रेगुलर सेट लिख लीजिए, रेगुलर सेट बोलिए इसे या लैंग्वेज बोलिए। तो दिस लैंग्वेज कंटेन्स
फाइनाइट स्ट्रिंग, फाइनाइट स्ट्रिंग का मतलब इसमें दो ही स्ट्रिंग है, एक का नाम है 01, दूसरे का नाम है 10. इफ़ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस रेगुलर सेट इन टू द रेगुलर एक्सप्रेशन देन योर आंसर विल बी 01 + 10. कारण क्या है कि यहाँ पे मैंने बोला दो ही स्ट्रिंग है तो आप यहाँ प्लस सिंबल लगाएंगे. ठीक, सपोज करो अगर हमने यहाँ पे कुछ और बात करी. ओके, आई विल, सबसे पहले तो मैं इसके यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस बता देती हूँ. ऑपरेशन इन आरी, आरी में वो कौन कौन से ऑपरेशन है. सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे बोला कि R1 and R2 रेगुलर लैंग्वेज, आप कह लीजिए दो रेगुलर लैंग्वेज है, तो इनका जो यूनियन होगा वो क्या होगा, R1 union R2, ऐसे लिखोगे. जो इनका यूनियन हम निकालेंगे, बट यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में हम यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे R1 + R2. जो रेगुलर लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उसमें यू की जगह हम इस्तेमाल करेंगे प्लस, जो मतलब मैथमेटिक्स में यू का था वही यहाँ पर प्लस हो जाएगा. सपोज करो अगर मैंने कहा कि R1 and R2 दो यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज है, तो इनका जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होगा, इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो होगा उसे आप लिखेंगे R1 dot R2. इंटरसेक्शन आप कैसे लिखते हो अगर मैथमेटिक्स होती, R1 intersection R2. दैट मीन्स, अभी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा. इसी तरह से तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर L1 या चलो R1 ले लो, R1 यहाँ पर एक इज अ रेगुलर लैंग्वेज है, तो दिस इम्प्लाइज कि R1 star इसका लीन स्टार निकालोगे वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज है. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन, यूनियन और ये सारी हमने बात करी तो क्या मतलब है. लेट द सिग्मा इज नथिंग बट AB हमने, और मैंने कहा कि R1 में है, यहाँ पर मैंने बोला ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ A, A की जितनी भी स्ट्रिंग है वो, तो दैट मीन्स R1 में क्या हो सकता है, आप एप्साइलन भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ A की बात करी मैंने, तो यहाँ पर होगा AA AAA, लाइक दैट एनी कॉम्बिनेशन. इसी तरह से मैंने कहा R2 हम ले लेते हैं, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ B की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो ले ले रहे हैं. सिग्मा हमारे पास गिवन था तो हमने लिया B, यानी एप्साइलन B होगा, क्योंकि हमने ये तो बोला नहीं कि एप्साइलन नहीं है, यहाँ पे डबल B हो सकता है, लेकिन सारे B के ही कॉम्बिनेशन होंगे, इसमें A का कोई रोल नहीं. इफ़ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हियर R1 + R2, तो डू यू नो कि R1 R2 क्या कंटेन करेगा, एप्साइलन लेगा, पहले दोनों का जो भी कॉमन एलिमेंट है उसे एक बार लेगा, फिर क्या होगा AA इसकी पूरी सीरीज, फिर BB एंड सो ऑन. इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, या तो A की सीरीज है या B की सीरीज है, बट इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, AB BA ऐसा करके कुछ नहीं, क्योंकि हमने R1 में लैंग्वेज ही बोला था ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ A, R2 में बोला ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ B, इनका यूनियन करेंगे तो ये प्लस हो गया. जब प्लस हो गया तो आप देख रहे हैं या तो A की सीरीज चल रही है या B की सीरीज चल रही है, विथ एप्साइलन, यू कैन से एप्साइलन दो बार था तो लिखेंगे एक ही बार. अब अगर मुझे इसका RE बनाना हो, दैट मीन्स R1 + R2 का जो रिजल्ट आया मिला के, तो हम इसको लिख सकते हैं A star + B star. क्यों लिखा, क्योंकि ये जो A का कॉम्बिनेशन चल रहा है, अगर एप्सिलॉन इसके साथ है तो हम इसे कहेंगे A स्टार, और B का अगर हम लिख रहे हैं तो इसे हम कहेंगे B स्टार. लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस. अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया A + B का होल स्टार इक्वल टू A star + B star, दोनों में अंतर है यहाँ पर. ठीक, या तो A के स्टार दिख रहे हैं या B के स्टार दिख रहे हैं, A की सीरीज है या B की सीरीज है, दोनों में अंतर है, तो दिस विल बी नॉट द इक्वलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा. आई विल टेल हियर, अगर मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया थर्ड लैंग्वेज, मैंने लिखी R3 मैंने लिखा, और मैंने लिखा ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ A and B. इसका मतलब है कि दिस R विल कंटेन लाइक दिस एप्साइलन A AA एंड सो ऑन, B भी हो सकता, B की सीरीज हो सकती, इवन AB BA, कुछ भी, AB का कोई भी कॉम्बिनेशन, देन यू कैन राइट हियर A + B का होल स्टार.
बिकॉज दिस विल कंटेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, तो हमने क्या लिखा, ए प्लस बी का होल स्टार, उस सर के ऊपर बाहर है, यहाँ पे केवल ए का स्टार था और बी का स्टार था, तो दोनों में ये अंतर है क्योंकि इन दोनों का जब हमने यूनियन किया था तो ये वाली सीरीज इसमें नहीं आ रही थी, केवल ए या बी का आ रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो नाउ यहाँ पर देखो ये जो सेट आया, आई मीन ये जो राइट हैंड साइड लिखते हैं, जो लैंग्वेजेस हम बना रहे हैं इसे हम बोलते हैं रेगुलर सेट, और जो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, आई मीन इन शॉर्ट अगर उसे आप यहाँ पर जो लिख रहे हो पूरी चीज को क्लब करके, उसे हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ना और भी एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर, लेट्स टेक हियर। तो यहाँ पे तीन ऑपरेशन मैंने बताया आपको, ओके प्रीवियस क्वेश्चन में वापस जाते, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि R1 इंटरसेक्शन R2 निकालना है, तो आप देखिए R1 क्या है, इन दोनों में A की सीरीज है, इसमें B की सीरीज है, बट दोनों में कॉमन क्या है, एप्सिलॉन आ गया। दैट मीन्स यू कैन से हियर R1 डॉट R2 इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा, दैट मीन्स ये आंसर होगा इसका। तो जब हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे तो उसको डॉट ऑपरेशन से बताएंगे, और अगर यूनियन लेते हैं तो उसे प्लस ऑपरेशन से बताते हैं, दोनों में ये डिफरेंस है यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हैं, आई मीन इस रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटी यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी एज अ फॉर्मूला यू कैन से। कई बार क्वेश्चन गिवन होता है तो उसको सिंप्लीफिकेशन में हमें इसकी मदद लेनी पड़ती है, तो यहाँ आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, आइडेंटिटीज ऑफ आर ई, 12 आइडेंटिटीज यहाँ पे डिफाइंड है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है phi प्लस आर इज नथिंग बट आर, phi का मतलब होता है नल सेट, नल सेट का मतलब देखिए यहाँ पर ये एक नल सेट है और मान लीजिए ये आर है, आर के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, आर अगर मान लीजिए सिग्मा ए लिया है, सिग्मा इक्वल टू ए लिया, तो इसका मतलब आर में ए के कॉम्बिनेशन होंगे, तो अगर आप नल में कोई भी लैंग्वेज ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आर आएगा। द सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि फाई इंटू आर इक्वल टू आर इंटू फाई इज नथिंग बट फाई, नल सेट को किसी भी सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेट का मतलब यहाँ पर आर लिया हमने, अगर एक नल सेट को किसी भी सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा फाई हो जाएगा, वो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे, चाहे आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली एप्सिलॉन इनटू आर इक्वल टू आर इनटू एप्सिलॉन इज नथिंग बट द आर, मैंने आपको पहले भी बताया था, सपोज करो आपने सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर ए ले रखा है, या चलो आर इक्वल टू आपके पास एक सिंगल एलिमेंट है, अब इसको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करिए, एप्सिलॉन इंटू ए करोगे तो ये ए आता है, या ए इंटू एप्सिलॉन इज नथिंग बट ए, आई मीन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फाई इंटू ए करोगे तो ये फाई हो जाएगा, फाई सेट को अगर किसी भी सेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फाई हो जाता है, ये रूल है आपका। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे तो चौथी प्रॉपर्टी जो है आपकी, कि सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एप्सिलॉन को किसी भी सेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेट ही रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है वो एक तरह से वन की तरह काम करता है, एक्चुअली इट्स नॉट करेक्ट, बट हम यहाँ पे इसको इमेजिन करते हैं कि ये वन है, वन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, ये सोच के चलिएगा, और ये फाइव जो है एज अ जीरो की तरह ट्रीट होता है, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको जीरो बना लेता है। नाउ फोर, ये सिर्फ याद करने का ट्रिक बताया है मैंने। नाउ यहाँ पे एप्सिलॉन का स्टार, आई मीन इसका क्लोजर निकालोगे तो ये एप्सिलॉन ही रहेगा, आई मीन आप इसको कितनी बार भी लिख लो, किसी के ऊपर सर के ऊपर स्टार लगाए तो स्टार का मतलब होता है मिनिमम जीरो टाइम्स, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री कितनी भी बार हो सकता है, स्टार का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मिनिमम जीरो टाइम्स, तो एप्सिलॉन की पावर स्टार है तो दैट इज़ नथिंग बट कितनी बार भी एप्सिलॉन को लिखोगे मल्टीप्लाई करके वो एप्सिलॉन ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ इसी में यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ कि फाई स्टार इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, अभी मैं ये दोनों आइडेंटिटीज आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ ऐसा कैसे होता है कि एप्सिलॉन स्टार इज नथिंग बट द एप्सिलॉन एंड फाई स्टार इज नथिंग बट द फाई, अरे सॉरी वो एप्सिलॉन आता है। तो लेट्स पहले इसे प्रूफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इन दोनों को, ताकि आपको हाथ के हाथ क्लियर होता जाए यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पर बोला R इक्वल टू एप्सिलॉन स्टार, तो इसको अगर हम यहाँ पर बोले R का मतलब रेगुलर लैंग्वेज, आप स्मॉल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल में, दैट मीन्स अगर हम एप्सिलॉन स्टार को ओपन करें तो इसका मतलब ये हुआ एप्सिलॉन की पावर 0, एप्सिलॉन की पावर 1, एप्सिलॉन की पावर 2 एंड सो ऑन,
इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता जाएगा। और किसी की भी पावर जीरो होती है, तो मैंने आपको बताया था ऑटोमेटा में क्या होता है, एप्सिलॉन। किसी की भी पावर जीरो होती है, मैथमेटिक्स में आप वन बोलते हो, बट इन केस ऑफ द ऑटोमेटा इट विल बी द एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की पावर वन है तो भी एप्सिलॉन ही आएगा, टू टाइम्स है तो भी एप्सिलॉन ही आएगा, फोर टाइम्स है तो भी एप्सिलॉन ही आएगा। आप देखिए तो यहाँ पे सेट में किसी भी एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं, तो फाइनली क्या आया आंसर, एप्सिलॉन ही आया। तो व्हाट आई हैव रिटन हियर कि एप्सिलॉन की पावर स्टार इज नथिंग बट द एप्सिलॉन। नाउ अगर हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी, यू कैन से अगर आर इक्वल टू आपने फाइव स्टार लिखा है, आर इक्वल टू अगर आपने फाइव स्टार लिखा है तो फाइव स्टार का मतलब क्या हुआ, इसे भी आप इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से करोगे। तो आप लिखोगे फाइव की पावर जीरो, फाइव की पावर वन, फाइव की पावर टू एंड सो ऑन। अब किसी की भी पावर जीरो, अगर हम यहाँ पे रेगुलर सेट की बात करें या रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन। और फाइव की पावर वन का मतलब क्या होगा, कि नल सेट की पावर, अगर आप नल को नल से मल्टीप्लाई करोगे तो नल ही रहेगा, नल की पावर टू अगर आप कर रहे हो तो भी यहाँ पे क्या होगा, तो दैट मीन्स कितनी भी टाइम्स अगर आप लें तो ये क्या होगा, नल सेट ही रहेगा सारा, ठीक। तो मिनिमम आप यहाँ पर देखिए एलिमेंट क्या बचा, नल को अगर हम छोड़ दें, नल तो नल ही है, एक स्ट्रिंग तो बची ना हमारे पास, मिनिमम स्ट्रिंग क्या, आई मीन ये क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन। तो दैट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन, यानी कि ये आ गया हमारा एप्सिलॉन। तो अगर हम आर ही निकाले कि फाइव स्टार इज नथिंग बट द एप्सिलॉन, तो आप देखिए क्योंकि किसी की भी पावर जीरो जो होता है ऑटोमेटा में वो होता है एप्सिलॉन, तो मिनिमम स्ट्रिंग एप्सिलॉन है, बाकी तो सारे फाइव की पावर वन फाइव, तो ये सारे फाइव ही फाइव हो जाएगा। फाइव का मतलब होता है नथिंग इज देयर, तो वो खाली रहा, लेकिन मिनिमम आपको स्ट्रिंग क्या मिली, एप्सिलॉन। तो उसे आर इज नथिंग बट द एप्सिलॉन, यानी कि फाइव की पावर स्टार अगर आप रखते हो तो उसका भी जो आंसर होगा वो एप्सिलॉन होगा, जिस तरह से एप्सिलॉन का स्टार भी एप्सिलॉन होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम यहाँ पर लेंगे, पांचवी। तो ये दो आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूफ हो गई, अगर कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आए तो आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। ना यहाँ पे नेक्स्ट है कि अगर हम, अभी मैंने आपको बताया ही था कि R प्लस R दैट इज दो रेगुलर एक्सप्रेशन है और सेम ऑर्डर के हैं, यानी कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A, एनी कॉम्बिनेशन, दोनों को ऐड करोगे तो वही आएगा रिजल्ट, दैट इज R प्लस R इक्वल टू R। सिक्स प्रॉपर्टी जो है इसकी यहाँ पर, दैट इज R स्टार इंटू R स्टार इज नथिंग बट द R स्टार, इसे आप देख सकते हो यहाँ पे। मान लीजिए मैंने R इक्वल टू A ले रखा है, ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए सिग्मा यहाँ पर गिवन है ए, तो अगर हमने यहाँ पे आर स्टार निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए डबल ए ट्रिपल ए लाइक दैट सो ऑन, कितने भी ए वाले कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अब हमने कहा आर स्टार इंटू आर स्टार, तो इसका मतलब टू टाइम्स आ गया एप्सिलॉन कॉमा ए डबल ए, ये इस तरह से दूसरा सेट भी यही होगा आपका, एप्सिलॉन कॉमा ए डबल ए एंड ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये दूसरे सेट के इस एलिमेंट से मिक्स, आई मीन मल्टीप्लाई करेंगे, तो एप्सिलॉन का जब बाकी सबसे करोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इस वाले एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन इज नथिंग बट द एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का ए के साथ करोगे तो ए आ जाएगा, एप्सिलॉन का डबल ए के साथ करोगे तो डबल ए आ जाएगा, आई मीन ये आएगा, फिर इसका ए उठाओगे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन इनटू ए करोगे तो ए आएगा, देन ए इंटू सिंगल ए से करोगे तो ये डबल ए आ जाएगा। आप देखो एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट होने लगे एक्सेप्ट द एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो एक बार आया ही गया है, फिर आप ये डबल ए को ले लो, डबल ए को एप्सिलॉन से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टिंग विद डबल ए आएगा, फिर डबल ए का सिंगल ए के साथ करोगे तो ट्रिपल ए हो जाएगा, आई मीन कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर रिपीट होने लगेंगे। तो आप देखो एप्सिलॉन भी मिल रहा है हमें, ए भी मिल रहा है, डबल ए अब एक बार मिला, यहाँ दो बार मिला, तीसरी बार, बट आई विल राइट इन द सेट है ना, दिस इज द रेगुलर सेट, और रेगुलर सेट में कोई भी सेम एलिमेंट बार बार नहीं लिखा जाता। तो व्हाट यू विल राइट हियर, एप्सिलॉन ए सिंगल टाइम, देन ये डबल ए, अगेन ट्रिपल ए एंड सो ऑन। आई मीन मैंने तो तीन ही चार एग्जाम्पल लिए यहाँ पर स्ट्रिंग के, तो आप देख रहे हो कि जब हमने दो बार आर स्टार को मल्टीप्लाई किया तो सिमिलरली फिर से वही एलिमेंट आया जो आर स्टार में थे, दैट इज नथिंग बट द आर स्टार। यही चीज यहाँ पर छठी प्रॉपर्टी है आपकी। तो हाथ के हाथ में आपको प्रूफ करके भी दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि केवल ये फॉर्मूला ऐसा होता है इसे रट लो, यू मस्ट नो कि व्हाट इज द रिजल्ट दैट, कि उसका रिजल्ट क्या है, आपको उसका आइडिया भी होना चाहिए, अदरवाइज एज अ बुक मैं कह सकती थी कि ये प्रॉपर्टीज है इसे आप रट लीजिए, रटने के अलावा उसको समझो और उसको डेराइव करो कि क्या ये प्रूफ कर रहा है कि नहीं जो यहाँ पे बोल रहा है, छठी प्रॉपर्टी हो गई।
नाउ सेवेंथ वन, सातवीं प्रॉपर्टी यहाँ पे है आर इंटू आर स्टार, यानी कि इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों सेम होते हैं यहाँ पर, लेफ्ट या राइट आई मीन कम्यूटेटिव लॉ कर लो तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे ये ओबे कर रहा है। नाउ आठवीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में यूज होती है कि आर का स्टार और उसके फिर से स्टार करोगे तो इट्स नथिंग बट द आर स्टार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आर स्टार इंटू आर स्टार ये वाली चीज़ बताई थी, सेम इसी तरह से है कि आपने यहाँ पे आर स्टार निकाला उसका फिर से अगर आप क्लोजर निकालोगे तो सेम एलिमेंट आएंगे, जैसे अभी इस वाले के लिए प्रूफ किया था। आई मीन उसको एक बार लो, दो बार लो, दस बार लो, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे उसमें एलिमेंट्स रिपीट होने लगेंगे, सेम टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो आप कहोगे लिखोगे तो एक ही बार सेट में, तो इस वजह से इसका जो कितनी बार भी हम क्लोजर निकालें, यानी क्लोजर का भी क्लोजर निकाला तो वो एक ही बार आएगा, आई मीन दैट इज़ द सेम एलिमेंट जो आप एक बार निकालोगे या उसे चार बार निकालो। नाइन्थ प्रॉपर्टी इसकी जो है कि एप्सिलॉन प्लस आर इंटू आर स्टार, और यू कैन राइट हियर दिस इज नथिंग बट आर स्टार, एंड दिस नाइन्थ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आता है तो आर्डन्स थ्योरम में हम इसे यूज करेंगे कि एप्सिलॉन प्लस आर इंटू आर स्टार इज नथिंग बट द आर स्टार। कारण क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे प्रूफ करके। सपोज करिए हमने यहाँ पर लिया, ओके मान लीजिए सिग्मा इक्वल टू आपने ए ले लिया और मैंने यहाँ पे लिया आर इक्वल टू, ओके सिंगल एलिमेंट ले लिया मैंने एक, तो आर स्टार इसका निकालोगे तो क्या आएगा, आर स्टार निकालोगे तो इसका मतलब हुआ एप्सिलॉन होगा, आई मीन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए। मैंने आर क्या लिया, केवल एक लिया एलिमेंट ए, सिंगल ए ले लिया, क्योंकि आर कैन बी एनी थिंग ना, सिंगल एलिमेंट, और आर स्टार का मतलब हुआ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए, तो सिंगल ए भी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, दैट मीन्स इसमें कितने भी कॉम्बिनेशन। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आर इंटू आर स्टार करोगे तो क्या आएगा, आर का मतलब हो गया ए, आई मीन रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ ये हो गया, देन दिस वन इज ये आपका डबल ए एंड सो ऑन। अब आप देखिए यहाँ पर आर स्टार हैविंग द एप्सिलॉन स्ट्रिंग, तो ए को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा आपका। नाउ ए को अगर आपने यहाँ पे इससे करा तो डबल ए आ जाएगा, नाउ ए को अगर आपने डबल ए से किया तो ट्रिपल ए आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये आ गया आर इंटू आर स्टार इज नथिंग बट दिस, तो आप देखिए इसमें से एप्सिलॉन चला गया, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप कहें यहाँ पर तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं आर प्लस, ये जो छठ सातवीं प्रॉपर्टी है आर इंटू आर स्टार या आर स्टार इंटू आर इज नथिंग बट द आर प्लस लिखा जाता है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव, क्योंकि क्यों खत्म हो गया, आप देखिए ए का जब आपने एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम एलिमेंट ए आ गया, डबल ए आ गया, ट्रिपल ए आ गया, एक एक बढ़ता चला गया, तो एप्सिलॉन का जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया। बट मैंने अभी बोला कि एप्सिलॉन प्लस आर इंटू आर स्टार इज नथिंग बट द आर स्टार, इसका कारण क्या है कि आपने ये तो निकाल लिया, इसमें देखो एप्सिलॉन चला गया, फिर आपने उसमें एप्सिलॉन ऐड कर दिया, तो नाउ दिस सीरीज कंटेन्स अगेन व्हाट, एप्सिलॉन सिंगल ए डबल ए देन ट्रिपल ए लाइक दैट सीरीज, यानी कि इन दोनों को अगर हमने इस वाली सीरीज में अगर एप्सिलॉन को ऐड कर दिया तो अगेन इट विल बी द आर स्टार। ऊपर आप देख रहे थे ये आर प्लस बन गया था, आर प्लस में अगर आपने एप्सिलॉन को ऐड कर दिया सातवीं प्रॉपर्टी में और नौवीं प्रॉपर्टी में, यही डिफरेंस है, इसमें एप्सिलॉन खत्म हो जा रहा था, इसमें एप्सिलॉन इसलिए एक्स्ट्रा ऐड किया तो ये आर स्टार बन गया। तो ध्यान रखिएगा सेवेंथ एंड नाइन्थ प्रॉपर्टी यूजफुल होगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसका डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ समझा दिया कैसे हो रहा है। नाउ टेंथ प्रॉपर्टी इसकी, डॉट यहाँ पे सॉरी कॉन्केटिनेशन के लिए, या आप इंटरसेक्शन की बात करें या कॉन्केटिनेशन के लिए बात करें, इंटरसेक्शन आप कह सकते हो और यहाँ पे जो ऑटोमेटा है इसमें हम वो बात करेंगे, कॉन्केट हो रहा मल्टीप्लाई, अगर हम इंटरसेक्शन की करेंगे तो फिर सारे कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, यस यस, यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ये, ठीक है, आई मीन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना और की जगह हम यहाँ पे इंटरसेक्शन जरूर ले रहे हैं एक तरह से कॉमन एलिमेंट, ओके आप देखो चलो इनकी बात पहले यही प्रूफ कर देते हैं, पहले ये यहाँ पे आपका ये इंटरसेक्शन की तरह भी काम कर रहा है, आप इसे मल्टीप्लिकेशन की तरह भी देख सकते हो, दोनों चीज है। चलो यहाँ पे देखते हैं, आर में हमने अभी एलिमेंट क्या लिया था,
यहाँ पे दैट इज नथिंग बट द ए लिया था ना, और आर स्टार इसका जो हो जाएगा इसका एनी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दैट इज एप्साइलन ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका इंटरसेक्शन की बात करें, आर इंटरसेक्शन आर स्टार की, तब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा बेटा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, केवल ए आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे आर डॉट आर स्टार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मतलब होगा, इसका ए आई मीन इस वाले का आर ये ले लिया मैंने डॉट एप्साइलन कॉमा ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन दिस। तो अब इसका मतलब कि इस सेट को आई मीन दो सेट है, सेट ए और सेट बी, सेट ए को सेट बी से मल्टीप्लाई करो तो सेट ए का आई मीन इसके साथ कॉनकैट होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब होता है कॉनकैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि कॉनकैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब होगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट अब इसके बाकी सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ए का एप्सिलॉन से करोगे तो ए आएगा, कॉमा ए का इस ए के साथ करोगे तो डबल ए हो जाएगा, इस ए का इस वाले से करोगे तो ये ट्रिपल ए हो जाएगा, लाइक दैट यहाँ पे ये आया। तो इसलिए मैंने कहा था आर इंटू आर स्टार इज नथिंग बट द आर प्लस हो गया, क्योंकि इस सीरीज से एप्सिलॉन चला गया। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये आएगा और कॉनकैटिनेशन इसे बोलते हैं, इसे यहाँ पर कॉनकैटिनेशन स्ट्रिंग बोलेंगे, कॉनकैट कॉनकैटिनेशन स्ट्रिंग हो गई और ये इंटरसेक्शन अलग है। इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट लोगे वो अलग है प्रीवियस वाले में। तो आइडेंटिटी 9 तक हो गई थी, यहाँ पर आइडेंटिटी 10th देख लीजिए, यहाँ पे दैट इज अ पी क्यू स्टार पी इक्वल टू आई मीन इसे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करिए या राइट से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर दोनों सेम होता है। दैट मीन्स ए इंटू बी स्टार करो या बी इंटू ए स्टार करो, बोथ आर सेम यहाँ पे। नाउ 11th प्रॉपर्टी, 11th प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पर है p प्लस क्यू का होल स्टार जो होगा, इसे आप लोग प्रूफ करिएगा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ करके आपको दिखाए हैं, इसे आप प्रूफ करके देखिएगा कि क्या ये सेम है और क्या ये भी सेम होगा। आई मीन ये तीनों एक इक्वल है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अदरवाइज आई विल डिस्कस टुमारो। यहाँ पे अगर नहीं कर पाए यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करिएगा, फिर इसको एक्सपेंड करिएगा और इसको देखिएगा तीनों में डेटा सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। नाउ 12th, यहाँ पी क्यू क्या है, कोई भी रेगुलर सेट ले लीजिएगा, आर वन आर टू जैसे हम ले रहे थे उसे आप ले लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पी प्लस क्यू इंटू आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर, ये 12th प्रॉपर्टी है। आप देखिए यहाँ पे राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने लिखा पी आर प्लस क्यू आर, डोंट राइट आर पी और आर क्यू, इट इज़ अ डिफरेंट, ये राइट मल्टीप्लीकेशन है इसी का, आप उल्टा भी लिख सकते हो, आर को पहले लिख लो एंड देन पी प्लस क्यू लिखो, देन इट इज़ अ हियर आर पी प्लस आर क्यू। जैसे अभी पीछे मैंने नेक्स्ट पेज में आपको बताया था ना, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इससे होगा, अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने बी लिखा होता तो ये आ जाता बी, देन ये हो जाता बी, ये भी बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट सब जगह बी हो जाता क्योंकि बी पहले था। अगर मैं इसी बी को यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई करती तो राइट से वो अटैच होता, दैट मीन्स कॉनकैट होता वहाँ पर। तो ये यहाँ पे ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई है लास्ट की, इसे आप लोग प्रूफ करना, अदरवाइज कल मुझसे पूछना कि ये कैसे इक्वल होगा। अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके दिखाए तो आई थिंक यू कैन डू दैट। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल फॉर द आरी कि अगर हमारे पास रेगुलर सेट गिवन है तो हम यहाँ पर उसका आरी कैसे बनाएंगे, और ये छोटे छोटे होंगे जो कि आपको याद रखने होंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा आर इक्वल टू ए, आई मीन रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ये है आर इक्वल टू ए, तो इसका जो रेगुलर लैंग्वेज होगा दैट मीन्स एल या रेगुलर सेट होगा दैट इज़ नथिंग बट यू कैन राइट लाइक दैट। अगर यहाँ पर लैंग्वेज में केवल एक एलिमेंट है ए तो उसका आर ई जो होगा वो आर इक्वल टू ए होगा। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर लिखा एल कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स दैट इज़ अ ए बी,
तो इसका जो आर होगा दैट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन जिसे आप लिखोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अगर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एल में मेरा केवल एक एलिमेंट है, ये एक स्ट्रिंग है, ये दो एलिमेंट ट्रीट नहीं होगा, ये केवल एक स्ट्रिंग है दैट इज अ ए बी, तो इसका जो आर लिखोगे दैट इज आर ई जो लिखोगे वो केवल होगा ए बी, करली ब्रेसेस हट जाएगा, दैट मीन्स तो इन दोनों के बीच में क्या डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग है। सपोज करो अगर हमारे पास एल में तीन एलिमेंट है ए बी सी, ओनली थ्री स्ट्रिंग्स है, यहाँ एलिमेंट नहीं बोलते हम लैंग्वेज में बोलते हैं थ्री स्ट्रिंग्स है, और स्ट्रिंग्स का नेम क्या है ए बी सी है, तो इसका जो आर लिखोगे दैट विल बी नथिंग बट द ए प्लस बी प्लस सी, या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, प्लस का मतलब और कंडीशन हो रही है यहाँ पर। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर लैंग्वेज में एक ए बी दो है स्ट्रिंग, ए डबल बी है और ए बी है, तो इसका अगर मैं आर ई पूछूँ तो क्या होगा, दैट मीन्स एक स्ट्रिंग ये है, या तो ये स्ट्रिंग होगी एल या तो ये होगी, तो इसका मतलब हो गया ए बी बी प्लस ए बी। इसको इंसॉल्ट ऐसे भी किया जा सकता है, राइट साइड से आप देखें तो यहाँ बी कॉमन लिया जा सकता है, लेफ्ट से ए कॉमन लिया जा सकता है, और राइट से क्या है आप बी कॉमन ले सकते हो, तो यू कैन राइट हियर ए बी प्लस ए दिस, और यू कैन राइट आई मीन अगर इसमें से कॉमन ले लें तो हम कहेंगे ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ से बी बचा और यहाँ से क्या बचा एप्सिलॉन बचा, तो ये भी लिख सकते हो, तीनों आंसर सही है। तो आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर दिया कि L contains this language, A double A, triple A and so on, तो इसका आर ई यानी कि R बनाइए, R जो होगा रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, इसमें एप्सिलॉन नहीं है तो ये A प्लस हो जाएगा। सपोज L इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पर लिखा A, एप्सिलॉन भी ले लीजिए, एप्सिलॉन है, डबल A है, ट्रिपल A एंड सो ऑन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे A इज नथिंग बट A स्टार। इफ आई राइट L इक्वल टू आई मीन जो रेगुलर सेट हमारे पास गिवन है दैट इज एप्सिलॉन ए बी ए बी बी ए एंड सो ऑन, अब हमें क्लियर हो गया है कि यहाँ पर क्या है, या तो ए की सीरीज होगी या बी की होगी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी होगा, तो हमारे पास जो आर होगा इस केस में हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्टार, बिकॉज इस लैंग्वेज में हमें दिख गया था दो एलिमेंट्स है दैट इज ए बी और इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है, इसमें डैश डैश का मतलब इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है, एक तो मिनिमम स्ट्रिंग यहाँ एप्सिलॉन थी, मिनिमम यहाँ ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है या ए बी हो सकते हैं बी ए हो सकता है या एनी, इसके बाद आप अपना गेस कर सकते हो कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे या तो ए की सीरीज होगी या बी की सीरीज होगा, क्योंकि बाहर की ओर लगा है तो इससे ये पता चल रहा है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अगर मैं इसका डी एफ ए बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए जितनी भी आ रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए कॉमा बी, ये डी एफ ए है, इस लैंग्वेज का जो आरी हमने लिखा वो ये है, अगर इसी लैंग्वेज का हमने यहाँ सॉरी इसी डीएफए का ये लैंग्वेज की बात करें तो ये होगा। इफ आई राइट हियर क्यू नॉट दैट मींस ये है ए, तो उसके लिए ये है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जितनी भी डीएफए हमने पढ़ी है उसका जो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वही हम देखने जा रहे हैं कि वॉट एवर वी हैव लर्न इन द डीएफए, दैट मींस हमने डीएफए जितनी भी चीजों का देखा है उन सब का यहाँ पर जो आरी है वो ऐसा होगा। ठीक है, ओके, मैं टाइम नहीं देखा, टाइम बहुत हो गया, ओके, टुमारो वी विल डिस्कस दिस द नेक्स्ट थिंग इसका।